वाले हैं गुलाब जामुन की रेसिपी। बहुत ही आसान रेसिपी है ये, मैंने बनाया है MTR मिक्स जामुन पैकेट से। तो आप भी इसको अपने घर पे जरूर ट्राई करना एंड प्लीज डू सब्सक्राइब आवर चैनल सो दैट आपको ऐसे ही अच्छे वीडियोस जरूर देखने के लिए मिलेंगे। एंड ये अगर रेसिपी आप लोगों को अच्छा लगा रहेगा तो इसको एक लाइक देना मत भूलिएगा। तो चलिए अभी हम देखते हैं इसके लिए इंग्रेडिएंट्स क्या क्या लगते हैं। सिंपल सा गुलाब जामुन बनाने के लिए इंग्रेडिएंट्स क्या क्या लगता है, तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने MTR रेडीमेड पैकेट लिया है गुलाब जामुन मिक्स का। आप चाहे तो कौन सा भी ब्रांड का यूज कर सकते हैं इसमें। एंड यहाँ पे मैंने करीबन 7 से 8 बादाम पीसेस चॉप करके रखे हैं इस तरह। एंड यहाँ पे मैंने 2 कटोरी शक्कर लिया है, जो भी नॉर्मली घर पे जो अवेलेबल रहते हैं इस साइज के कटोरी, इसके मैंने 2 साइज शक्कर यहाँ पे लिया है। एंड यहाँ पे मैंने लिया है 4-5 मैंने इलायची को कूट के लिया है पाउडर बना के। एंड यहाँ पे मैंने लवंग को 3 लवंग लिया था एंड इसको भी मैंने कूट के पाउडर बना के लिया है। एंड ये वाला ऑप्शनल है, आप चाहे तो इसको स्किप भी कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने सैफ्रन लिया है करीबन 4 से 5 पीसेस। एंड ऑयल टू फ्राई, आप चाहे तो घी भी रिप्लेस कर सकते हैं फ्राई करने के लिए। एंड यहाँ पे मैंने दूध लिया है मिक्स करने के लिए। तो सबसे पहले अभी हम चाशनी बनाने के लिए पानी ऐड करते हैं और 1/2 ग्लास पानी में ऐड कर लेती हूँ। टोटल मैंने 1.5 ग्लास पानी लिया है यहाँ पे इस मेजरमेंट का ग्लास का। एंड इसमें मैं ऐड कर रही हूँ शक्कर एंड इसी के साथ मैं ऐड कर रही हूँ ये लवंग का पाउडर, सैफ्रन एंड कार्डमम पाउडर। एंड इसको अच्छे से पकने तक अभी हम छोड़ देते हैं। एंड जब तक ये चाशनी अच्छे से तैयार हो जाता है तब तक अभी हम गुलाब जामुन का जो डो है वो हम तैयार कर लेते हैं। तो गुलाब जामुन मिक्स अभी हम इसमें ऐड कर लेते हैं। ये जो जामुन मैं बनाने जा रही हूँ ये एकदम बेसिक है, जो कि हम लोग मार्केट से जो मिक्स वाले पैकेट जो आते हैं उसे हम आसानी से बना सकते हैं। बिल्कुल बेसिक जामुन है इसमें और कुछ भी इसमें ऐड नहीं करने वाला है। अगर कोई मतलब स्टार्टिंग से अभी खाना वगैरह सिखाना और ट्राई कर रहे हैं तो आप इसको ज़रूर ट्राई करना। एंड MTR पैक के ऊपर एक्चुअली फ्लिपकार्ट में ऑफर चल रहा है, 1 buy 1 get 1 का ऑफर। एक्चुअली ये मैंने कट कर दिया था एक्चुअली, तो अगर आप लोगों को लिंक चाहिए तो मैं आप लोगों के लिए डिस्क्रिप्शन में छोड़ दूंगी। अगर आपको परचेस करना है तो आप डायरेक्टली इस लिंक के ऊपर क्लिक करके भी परचेस कर सकते हैं। एंड अगर सैफ्रन भी अगर आप लोगों के पास अवेलेबल नहीं है तो उसका भी मैं लिंक आप लोगों के लिए डिस्क्रिप्शन में छोड़ दूंगी, सो दैट यू कैन क्लिक ऑन द लिंक एंड गो एंड परचेस दैट। तो चलिए अभी हम डो बना लेते हैं। रॉ जो मिल्क रहता है पैकेट में आप वो भी यूज कर सकते हैं, या फिर आप दूध को गर्म करके जब ठंडा हो जाता है आप तभी भी रूम टेम्परेचर पे जब दूध रहेगा तभी आप इसको यूज कर सकते हैं। तो अभी हम थोड़ा थोड़ा दूध डाल के इस तरफ हम मिक्स कर लेंगे, एकदम से पूरा नहीं ऐड करना है। आप चाहे तो वाटर भी यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। स्लोली स्लोली हम इस तरफ उंगलियों से इसको नीड करते जाएंगे। दूध को मैंने थोड़ा बचा लिया है, मैं पूरा ऐड नहीं करूंगी इसमें। जितना सॉफ्ट डो बनेगा उतने ही सॉफ्ट और मज़ेदार जामुन भी बनेंगे, तो इस चीज़ के ऊपर ज़रूर ध्यान रखना सो दैट अंदर सा जो गोला रह जाता है वो ना रह जाए और अच्छे से बन जाए गुलाब जामुन। जो बाकी जो दूध बच गया था वो भी हम इसमें ऐड करेंगे एंड इसको वापस अच्छे से नीड करेंगे सो दैट दूध अच्छे से अब्सॉर्ब हो जाए। सो मैंने इस टाइम पे मैंने अपने पाम पे थोड़ा घी अप्लाई कर लिया है, तो अभी हम इसको अच्छे से गूंद लेंगे विद हेल्प ऑफ उंगली। अभी इस तरफ तैयार हो गया है, तो अभी हम विद हेल्प ऑफ फिंगर्स हम इसको इस तरफ
स्लोली स्लोली इस तरफ लीड करते जाएंगे 2 मिनट के लिए। चाशनी भी बिल्कुल तैयार हो गई है अभी, और जैसे आप देख सकते हैं थोड़ा गाढ़ा बन गया है एंड इतना कंसिस्टेंसी बिल्कुल ठीक रहेगा उसके लिए। तो अभी मैं गैस फ्लेम को बंद कर लेती हूँ एंड इसी गैस पे अभी हम रखते हैं तेल को गर्म होने के लिए एंड हम गुलाब जामुन के बॉल जो है वो अभी हम तैयार कर लेते हैं। तो तेल को मैंने गर्म होने के लिए रख दिया है, साइड बाय साइड अभी हम गुलाब जामुन के बॉल्स तैयार कर लेते हैं। तो चलिए अभी हम बॉल्स बना लेते हैं। जैसे आप देख रहे हैं बिल्कुल हमें इस तरीके का बनाना है बॉल, दोनों हाथों से इस तरफ एक करके, तो अंदर से गाट ना रह जाए इसलिए हम इसको अच्छे से इस तरफ दोनों हाथों से इस तरफ कर लेते हैं एंड इसका गोला बना लेते हैं। तो इसी तरीके से मैं आगे के भी सारे गोले बना लेते हैं एंड ऊपर से अगर इस तरफ ब्रेक्स कहीं पर भी नज़र आया तो उसको भी हम अच्छे से सेट करके गोल बना लेते हैं। तो ऑयल ऑलरेडी गर्म हो गया है एंड ये गोला भी बिल्कुल तैयार है अभी फ्राई करने के लिए। तो अभी हम 2 पार्टीशन में गोला डाल के फ्राई करके ले लेते हैं। तो ये अभी गोल्डन कलर जैसे हो गया है तो अभी मैं इसको सीधा चाशनी में ऐड कर लेती हूँ। तो सभी जामुन को इस तरफ मैंने चाशनी में ऐड कर दिया है अभी, तो 2 घंटे के लिए अभी हम वेट करते हैं सो दैट चाशनी अच्छे से अंदर तक जाए एंड जामुन बिल्कुल रसेले बनके तैयार हो जाए। सो फ्रेंड्स आफ्टर 2 आवर्स मैंने इसको अभी निकाल दिया है सर्व करने के लिए एंड एक मैं आप लोग के लिए कट करके भी दिखा देती हूँ कितने स्पॉन्जी और कितने टेस्टी बने हैं। तो जैसे आप देख सकते हैं बिल्कुल रसीले बने हैं एंड बिल्कुल गोला जैसा कुछ भी नहीं है अंदर और बहुत ही यम्मी बना है। लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आप लोग बनाने के बाद ये कैसे बन के आता है। तो चलिए अभी हम मिलते हैं अगले वीडियो में, अंटिल देन टेक केयर, गुड बाय फ्रेंड्स। बिफोर दैट प्लीज डू सब्सक्राइब आवर चैनल ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियोस देखने के लिए एंड इफ यू लाइक दिस रेसिपी इसको एक लाइक देना मत भूलिएगा। सी यू।